थैंक्स टू द सिटी ऑफ मुंबई, ये बहुत ही ज़बरदस्त शहर है सोल सर्चिंग के लिए. अगर आपको खुद को ढूंढना हो और खुद से रूबरू होना हो तो आप मुंबई आइए. ये शहर जो है आपको इतने अच्छे लेसन्स सिखाता है कि आपको ज़िंदगी का महत्व समझ में आता है, ज़िंदगी जीने के तौर तरीके समझ में आते हैं. एंड मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ. शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आता था और जब धीरे धीरे समझने लगी मैं. What type of questions you should ask yourself? मैंने खुद से कई सारे सवाल करने लगे, जैसे मैं क्यों लोगों के दरवाजों पर जाकर दस्तक दूं? क्यों मैं खुद से अपने लिए दरवाजे खड़े नहीं कर सकती? क्यों मैं खुद से अपने लिए वर्क अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? और जब इस तरह के मैंने स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस खुद के सामने रखे, मुझे जवाब मिला कि शर्लिन तुम कर सकती हो, बेशक कर सकती हो. मेरे पास म्यूजिक सेंस है, एस्थेटिक सेंसिबिलिटीज़ हैं, सेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग है, तो मुझे उन घटिया लोगों के पास जाकर भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है. अल्लाह के नाम पर दे दो बाबा, एक फिल्म दे दो बाबा, क्यों? नॉट रिक्वायर्ड. तब जाकर मैंने ये फैसला लिया कि इनफ इज़ इनफ. नाउ आई एम नॉट गोइंग टू पुट अप विद दिस काइंड ऑफ इडियोसी, मीडियोक्रिटी एंड नॉनसेंस. एंड आई डोंट लाइक टू शुगर कोट बुलशिट. अगर कोई चीज़ बुलशिट है तो वो है. आप उसको शुगर कोट करके कोई दूसरा नाम देंगे तो वो बुलशिट ही रहेगा ना. डू यू फील सेंस ऑफ ओनिंग ए बिजनेस एंड बिकम योर ओन बॉस? तो अब मैं किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं हूँ. मुझे किसी भी कैंप से कोई वास्ता नहीं है. मैंने अपने लिए एक टीम बना रखी है. उस टीम में एक ज़बरदस्त DOP है, एडिटर है, DI टेक्नीशियन है, स्मोक टेक्नीशियन है, EP है, आर्ट डायरेक्टर है, कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर ड्रेसर. तो ये सारे टेक्नीशियंस हैं जिनकी ज़रूरत होती है हमें स्टोरी टेलिंग में. व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ स्टोरी टेलिंग और मार्केटिंग योर ब्रांड? The golden era, which is called the digital era. आज के इस दौर में content create करना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है. अगर आपके पास intelligence हो तो, अगर आपके पास common sense हो तो content create करके हम upload कर सकते हैं YouTube पर और social media platforms पर या streaming platforms पर. एंड बहुत ही आसानी से consumer तक हमारा content हम पहुँचा सकते हैं. हमें middleman की ज़रूरत नहीं है, वाया जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो आई एम हियर टू बी अ सैसी बैड एस एंटरप्रेन्योर. कैन यू गिव सिनॉप्सिस ऑफ योर प्रोडक्ट एंड क्लाइंटेल? मुझे कंटेंट क्रिएट करने की समझ है और मुझे बिजनेस की भी समझ है. तो कॉमर्स एंड आर्ट, इन दोनों का एक ज़बरदस्त ब्लेंड जब होता है तो एक ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योरशिप बन जाता है. तो मैं चाह रही हूँ कि एक बिजनेस वुमन के जरिए, एक बिजनेस वुमन बनकर मैं हर कदम आगे बढ़ूँ. और बिजनेस करने के लिए हमें चाहिए क्या? हमें प्रोडक्ट चाहिए बेचने के लिए. वो प्रोडक्ट मैं खुद तैयार कर रही हूँ, जैसे कि द शर्लिन चोपड़ा ऐप है. उस ऐप पर मैं कंटेंट क्रिएट करके अपलोड करती हूँ और वो कंटेंट मुझे पैसा कमा कर देता है. उन पैसों से मैं अपने प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर रही हूँ. तो कहने का मतलब ये है कि हमें किसी पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है. आज हम खुद से अपने बल पर, अपने मेरिट पर, अपने टैलेंट पर आगे बढ़ सकते हैं. ये ऐप मैंने लॉन्च किया मई में, दिस मई, एंड मई, जून, जुलाई, 3 महीने हो गए. और शुरुआत हुई 7-digit फिगर से, उसके बाद हम पहुँचे 8-digit फिगर पर इन जस्ट अ स्पैन ऑफ 2 or 3 months. सो आई हैव रियलाइज्ड दैट येस, इरोटिका सेल्स. And there are consumers who love to pay for premium content. तो जब खरीदार है तो हम content क्यों ना बेचें? And क्योंकि लोगों ने मेरा hot अवतार देखा है app पर, मेरे social media पर, तो वो कहते हैं कि आप बस seduction पर focus करो. rap artist बनने का शौक या भूत कब चढ़ा आपको, और क्यों आपको rap करना है? तो मेरा उनसे ये कहना है कि क्या मैं उनसे पूछकर खुद को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करूं? यानी अब वो मुझे बताएंगे कि मैं अंग प्रदर्शन करूं या ना करूं, रैप करूं ना करूं, और अगर करूं तो कितना इरोटिका बिकता है. करेक्ट.
लेकिन ये मानना कि मीडियोक्रिटी बिकता है ये गलत है. लोगों को मीडियोक्रिटी में कोई दिलचस्पी नहीं है. आप इरोटिका के नाम पर अगर बकवास कंटेंट बेच रहे हो, इरोटिका के नाम पर सेक्स बेच रहे हो, तो वो नहीं बिकेगा. देखिए, सेक्स कंज्यूम करने के लिए एक ऑडियंस है हमारे पास, ठीक है, पॉर्न कंटेंट जिसे हम कहते हैं उसके लिए कंज्यूमर्स हैं, ऑडियंस है. लेकिन जब हम वाइडर ऑडियंस की बात करते हैं, यूथ, मिडिल एज ग्रुप एंड सीनियर सिटीजन्स वगैरह, दे ऑल फॉर्म अ वाइडर ऑडियंस. तो इन इस वाइड ऑडियंस को क्या चाहिए? इस वाइड ऑडियंस को इंटेलिजेंट स्टोरी टेलिंग चाहिए. ऐसी स्टोरी टेलिंग विच इज इमोशनली कंपेलिंग एंड मेंटली स्टिम्यूलेटिंग. करेक्ट. एज ह्यूमन बींग्स हमें बोर होना पसंद नहीं है. हम चाहते हैं कि हमेशा हमें कुछ ना कुछ मेंटली स्टिम्यूलेट करे. अच्छा, ये कैसे हुआ? ओ, इसने उसको मार डाला, कैसे? You know, this is called mental stimulation. How can you avoid distractions and concentrate more on your project? मैं घर पर टीवी नहीं देखती हूँ. मेरे घर पर टीवी नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि टीवी, वॉचिंग टीवी इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. तो मैं या तो लिरिक्स लिखती हूँ अपने रैप प्रोजेक्ट्स के लिए, या तो शॉर्ट स्टोरीज लिखती हूँ, स्टोरी आइडियाज लिखती हूँ, योगा करती हूँ, वर्कआउट करती हूँ जिम जाकर. एंड मेरे फ्रेंड्स मेरे पेट्स हैं, उनके साथ मेरा टाइम पास हो जाता है. मेरे फ्रेंड्स मेरा एडिटर है, मेरा DOP है, मेरा आर्ट डायरेक्टर है, मेरा डायलॉग राइटर है. तो इन लोगों के साथ मैं गपशप करती हूँ. तो आप समझ सकते हैं कि मेरे पास नॉनसेंस के लिए, बुलशिट के लिए, इररेलेवेंट टॉपिक्स के लिए, मैटर्स के लिए कोई टाइम नहीं है. तो इन लोगों से मैं कहना चाहूंगी, आ मेरे ऑफिस पे जॉब कर, लाइफ में तू आगे बढ़.